और एक तरफ जहां 4 घंटे हर वासी रीवा के वासी को जबलपुर जाना पड़ता था या रीवा से 3.5 घंटे प्रयागराज जाना पड़ता था फ्लाइट पकड़ने के लिए, ये संकल्प हमने लिया कि हम लोग रीवा में ही एयरपोर्ट स्थापित करेंगे और आज वो सपना पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रीवा को 100 करोड़ रुपए का एक नया विमानतल मिल चुका है, 1800 मीटर का हमारा रनवे आ चुका है, ATR को IFR इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रेटेड सिस्टम के आधार पर, ताकि जब मौसम भी ठीक ना हो प्लेन लैंड कर पाए, IFR सिस्टम के तहत ये सुविधा मिल चुकी है। और ये भी संकल्प लिया है कि 1800 मीटर से बढ़ाकर हम लोग बड़े प्लेन के लिए भी इस एयरपोर्ट को तैयार करें। तो एक बहुत बड़ी सौगात जिसका सपना और एक तरीके से मैं कहूं कि मेरे दिल से जुड़ा हुआ एक सपना था और जिसकी भूमि पूजन हम लोग ने साथ में की थी रिकॉर्ड टाइम में, 20 महीने में ये एयरपोर्ट तैयार हो चुका है। फरवरी 2023 में हम लोग ने भूमि पूजन किया था और कल प्रधानमंत्री जी के द्वारा और मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने ये घोषणा भी की है कि आने वाले दिनों में जहाँ आज हमारे 5 विमानतल हैं वो आगे बढ़ते हुए जाएंगे। प्रदेश में ऐसे 23 हवाई पट्टियाँ हैं जिनको विकसित की जाएंगी और आने वाले दिनों में हमारा संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि हर जिले में हवाई पट्टी पूर्ण रूप से उपयोगी हम लोग तैयार करें।